क्या होती हैं इनके क्राइटेरिया क्या हैं और हम इनको रिक्शन क्यों प्रोवाइड करते हैं इनकी एडवांटेजेस क्या हैं उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे स्टार्ट सो उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे वीकली स्केड्यूल देख सकते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल है फॉर एग्जाम्पल सवा दस आपसे डेली टेन एमसी क्यूज डिस्कस किए जाते हैं ऐसे ही मेन्स करंट अफेयर्स सवा दो बजे डेली करंट अफेयर्स आपसे डिस्कस किए जाते हैं सवा छे एचपी पी सेक्रेटेट क्लर्क के पीवाई क्यूज डिस्कस किए जाते हैं एट पी और ऐसे ही एच पी एस सी सैट की अगर बात करते हैं तो वो आपसे डिस्कस किया जाता है एट नाइन पी सो लेट स्टार्ट में क्यों था सो इंडिया हैज एडेड फाइव मोर रामसर साइट्स और वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ब्रिंगिंग नंबर ऑफ सच साइट्स टू फिफ्टी सो पहले फोर्टी थी अब कितनी हो चुकी है फिफ्टी अब कौन कौन सी एड हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो न्यू रामसर वेटलैंड साइट है वो कहाँ पर है सो so, करी बर्ड सेंचुरी है पहला जो कि तमिलनाडु में पाई गई है ऐसी पलेरानाइन मार्श रिजर्व फॉरेस्ट अगेन इन तमिलनाडु ऐसे ही पीचावरम पीचावरम मैंग्रोव्स है जो कि तमिलनाडु में पाए गए हैं है, है, साख्या सागर मध्य प्रदेश एंड लास्ट वन इज पाल वेटलैंड इन मिजोरम सो आप कह सकते हैं कि हम तीन वेटलैंड साइट्स कहां पर ऐड करी गई हैं? दैट इज इन तमिलनाडु एक मध्य प्रदेश में है और एक मिजोरम में अब देखेंगे यहाँ पर आपको जनरली बर्ड देखने को मिलते हैं सो वेटलैंड साइट्स क्या होती है उससे जाने से पहले हम रामसर की कुछ डेफिनेशन देखेंगे अब इनके भी कुछ key characteristics की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको वेटलैंड की कैटेगरी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है वो हम देखने की कोशिश करते हैं सो so, अगर हम करीकली की बात करते हैं सो so, जो करिकली है इट इज एन एरिया विच इज स्प्रेड ओवर फाइव किलोमीटर वाइड बेल्ट एंड इज होम टू कॉर्मोरान्स एग्रेट्स ग्रे हेरस एंड ओपन बिल्ड स्टॉक अब क्योंकि ये बर्ड सेंचुरी है तो यहाँ पर आपको वेराइटी ऑफ बर्ड्स देखने को मिलेंगी क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है बर्ड्स के जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर आपको एक ईको एक सिस्टम देखने को मिलता है इसीलिए इसको वेटलैंड ऑफ इम्पोर्टेंस घोषित किया गया है ऐसे अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं पलिक जो कि एक मार्श रिजर्व है अब मार्श रिजर्व है तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये नेचुरल कोस्टल अक्वाटिक हैबिटेट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर आपके अक्वाटिक एनिमल्स का इकोसिस्टम देखने को मिलता है ऐसे ही अगर हम पीचावरम की बात करते हैं तो पीचावरम भी आपको कहाँ पर पाया गया है दैट इज इन तमिलनाडु अब क्योंकि ये एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है मैंग्रोव की वजह से ये एक इंपॉर्टेंट साइट बन जाती है जहां पर आपको काफी वैरायटी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी ठीक है जी नेक्स्ट आता है साख्य सागर साख्य सागर कहां पर पाया गया है दैट इज इन मध्य प्रदेश सो ये इट वाज क्रिएटेड फ्रॉम दर रिवर जो मैनियर रिवर है उससे क्रिएट करी गई थी 1918 में और जो साख्य सागर है इट इज लोकेटेड नियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज लोकेटेड नियर माधव नेशनल पार्क अब आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन या फिर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो आपकी साख्य सागर है वो कहाँ पर लोकेटेड है किसके नियरेस्ट लोकेटेड है सो इट इज दी माधव नेशनल पार्क अब देखिए आपने क्या करना है जो भी हमारी रामसर वेटलैंड साइट्स घोषित की गई हैं उनके अराउंड उनके सराउंडिंग एरिया जो जो है उनके सराउंडिंग कोई नेशनल पार्क एग्जिस्ट करता है या फिर उनके सराउंडिंग कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जिस्ट करती है या फिर उनके सराउंडिंग कोई और रामसर वेटलैंड साइड एग्जिस्ट करती है वो सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो आपने एक बारी एटलस लेनी है एटलस के सराउंडिंग जो भी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं जो भी इंपॉर्टेंट रिवर एग्जिस्ट करती है जो भी इंपॉर्टेंट आपके नेशनल पार्क हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ठीक है जी, पाला uh, जो कि आपको देखने को मिलता है मिजोरम, so, पर आपको काफी वैरायटी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी एनिमल बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स सो ये दे आर अंडर द इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अब देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है यहां से इंडो बर्मा हॉटस्पॉट है देखिए हमारी कंट्री में कितने हॉटस्पॉट्स एग्जिस्ट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है हमने बहुत से लेक्चर्स में इसको बार बार डिस्कस किया है तो आपको सबसे पहले इसके क्राइटेरियाज रिवाइज करने हैं तीन क्राइटेरियाज एग्जिस्ट करते हैं वो क्राइटेरियाज कौन से हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के सबसे पहले पता होने चाहिए उसके बाद इंडिया में कितने हॉटस्पॉट्स एग्जिस्ट करते हैं वो आपको पता होने चाहिए सो so, यहाँ पर इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में ये लाइ करता है अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट इज द लेक इज द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द पलक वाइल्ड लाइफ सैक्चुरी नाउ दिस बिकम्स अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये किस वाइल्ड लाइफ सैंकुरी में आपको देखने को मिलता है सो दैट इज द पलक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होप यहाँ तक क्लैरिटी है अगर right. so, हम की बात करते हैं, अब ये जो है, 1971 में ईरान में एक जगह है जिसका नाम क्या है रामसर वहां पर इसको इनिशियट किया गया था और वहां पर बोला गया था कि दुनिया भर के जितने भी इंपॉर्टेंट वेटलैंड साइट्स हैं जहां पर आपको वाइड वैरायटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है और जो उस एरिया के लिए रादर पूरे वर्ल्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम घोषित करेंगे दैट इज इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दी जाएगी उन साइट्स को राइट right? सो so, आप देख सकते हैं इट इज गिवन आफ्टर दिटी ऑफ रामसर इन ईरान वेयर दशन वॉज साइंस इन दैट ईयर सो नाइनटीन सेवेंटी की बात की गई है अब इनका काम क्या है इट आइडेंटिफाइज दी वेटलैंड वर्ल्ड। अब ये, जो है, ये काफी तो इम्पोर्टेंट मतलब है, का है उसमें आपको इम्बैलेंस देखने को मिलेगा जो कि रेपरक लेके आएगा सराउंडिंग एरिया में इसीलिए इसको क्या घोषित किया जाता है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दी जाती है तो इसीलिए यहां पर ये वाले जो एरियाज हैं ये बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे ही अगर हम देखते हैं जो सुंदर की अगर बात करते हैं इट स्प्रेड्स ओवर 11,000 स्क्वायर किलोमीटर अराउंड 10% परसेंट ऑफ टोटल वेटलैंड एरिया इन कंट्री अक्रॉस 18 स्टेट्स। सो ऑलमोस्ट आपको हर स्टेट में ये वेटलैंड साइट देखने को मिलती है प्लस आपने जो पिछली थी वो भी याद रखनी है जो नई एड हुई है वो तो याद रखनी ही रखनी है आपको प्रिलिम्स में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा ठीक है जी सो इट इज डन अब क्राइटेरियाज कौन कौन से होते हैं देखिए क्राइटेरिया बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं अब नाइन क्राइटेरियाज़ हैं आपको सारे याद नहीं करने हैं आपने सिर्फ एक बारी रीडिंग देनी है क्योंकि इन नौ क्राइटेरियाज़ में से अगर एक भी फुलफिल होता है तो हम उसको एज साइट घोषित कर देते हैं सो so, अगर क्राइटेरिया वन की बात करते हैं तो इट रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेटिव रेयर और यूनिक एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल और नियर नेचुरल वेटलैंड या फिर नेचुरल हो या फिर मैनमेड मैनमेड uh, आपके वेटलैंड एग्जिस्ट करते हों और वो रिप्रेजेंट करते हों रेयर और यूनिक फीचर तो दिस इज द क्राइटेरिया वन क्राइटेरिया टू की अगर बात करते हैं इट सपोर्ट्स वलनरेबल एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज सो ऐसे स्पीशीज ये कैरी करते हैं जो कि एंडेंजर्ड है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है अगर ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं तो वहां का जो इकोसिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाएगा ठीक है जी ऐसे ही क्राइटेरिया थ्री की अगर बात करते हैं तो इट सपोर्ट्स पॉपुलेशन ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीशीज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग मैंटेनिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सो इनके पास ऐसा ग्रुप है ऐसा चंक है प्लांट्स या फिर एनिमल्स का जिसकी वजह से अगर वो डैमेज होते हैं वो वो हर्ट होते हैं तो उसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफी ज्यादा डैमेज होती हुई दिखेगी बहुत ही सिंपल है अगर आपने सिर्फ एक बार ही रीड भी कर ली है तो आपको क्राइटेरिया याद आ जाएंगे ऐसे ही अगर क्राइटेरिया तो क्राइटेरिया ले सकते हैं ऐसे क्राइटीरिया फो, फो, फाइव क्या है इफ इट रेगुलरली सपोर्ट्स ट्वेंटी थाउजेंड और मोर वॉटर बर्ड्स अब देखिए यहां पर हमने वॉटर बर्ड्स की बात करी गई है तभी जो पहला हमारी रामसर साइट थी तमिलनाडु में वो क्या है एक बर्ड सेंचुरी है इसीलिए भी इसको क्राइटेरिया प्रोवाइड किया गया है राइट सो दिस इज दी क्राइटेरिया फाइव क्राइटेरिया सिक्स की बात करते हैं इफ इट रेगुलरली सपोर्ट्स वन परसेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशी और सब स्पीशीज ऑफ बर्ड सो बर्ड की अगेन बात करी जा रही है जो भी इंपॉर्टेंट बर्ड्स हैं अगर वो एरिया उसको सपोर्ट करता है तो हम रामसर साइट उसको घोषित कर सकते हैं ऐसे अगर हम क्राइटेरिया सेवन की बात करते हैं तो यहां पर सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन होनी चाहिए ऑफ इंडिजिनस फिश सब स्पीशीज और स्पीशीज और दी दैमिलीज लाइफ हिस्ट्री स्टेजेस एंड सो ऑन सो यहाँ पर आप एनिमल्स की बात कर रहे हैं राइट right. तब भी हम उनको वेटलैंड घोषित कर सकते हैं ऐसे ही अगर हम क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर सो अगर हमारी उससे सपोर्ट हो रही है तो भी हम उसको रामसर साइट घोषित कर सकते हैं नेक्स्ट आता है क्राइटेरिया नाइन क्राइटेरिया नाइन में क्या कहा गया इफ इट सपोर्ट वन परसेंट ऑफ द इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज और सब स्पीशीज ऑफ वेटलैंड डिपेंडेंट नॉन एवियन एनिमल स्पीशीज सो जो नॉन एवियन एनिमल स्पीशीज हैं अगर वो उनको सपोर्ट कर रहा है तब भी हम उसको रामसर वेटलैंड साइड घोषित कर सकते हैं अगेन आई एम एम्प्रिसाइजिंग यहां पर आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है जस्ट रीड इट वंस और ट्वाइस जितना याद रह गया उतना सफिशेंट है क्योंकि आपसे क्राइटेरियाज कोई नहीं पूछेगा इन नौ क्राइटेरियाज में से अगर एक क्राइटेरिया भी फुलफिल होता है तो हम उसको रामसर वेटलैंड साइट घोषित कर देते हैं ठीक है जी नेक्स्ट चलते हैं अब वेटलैंड होते ही क्या है सो so, वेटलैंड की अगर बात करते हैं दीज आर दिस्टम विद वॉटर दैट आर सैचुरेटेड विद वॉटर टली और सीजनली सो यहां पर आपको पानी का स्तर देखने को मिलता है डेल्टाज उन, उन उन so, हो गए या फ्लड प्लेन हो गए सो so, ये जितने भी हैं दीज इंक्लूड द्राइटेरिया फॉर वेटलैंड अब देखिए आपसे कई बार क्वेश्चन टफ बनाने के लिए वो क्या करते हैं बताइए कौन कौन सी Sites, wetlands तो जहां पर भी आपको पानी की सेचुरेशन देखने को मिलती है वो सारी पर्टिकुलर साइट क्या बन जाएंगी वेटलैंड ठीक है जी सो दो दे कवर ओनली सिक्स परसेंट ऑफ द अर्थ लैंड सर्फिस फोर्टी परसेंट ऑफ ऑल प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज लिव और ब्रीड इन वेटलैंड तभी ये इंपॉर्टेंट है एरिया इनका सिर्फ सिक्स परसेंट है लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं चाहे प्लांट्स की चाहे एनिमल्स की तो अराउंडी परसेंट आपको स्पीशीज यहां पर देखने को मिलती हैं जो इन पे थ्राइव करती हैं तो इसीलिए जो सिग्निफिकेंस है इनकी काफी ज्यादा और बढ़ जाती है ठीक है जी सो दीज आर दी वेटलैंड अगर हम वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो यहां पर इससे आपको काफी बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं नंबर वन अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो ये ये वाले जो lands होते हैं एक्चुअली में क्या करते हैं कार्बन को सिक्वेस्टर करते हैं सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है जो भी कार्बन डाइऑक्साइड आपके एनवायरमेंट में है ये उसको क्या कर लेते हैं अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इसीलिए भी ये क्लाइमेट के लिए एक एडवांटेजेस पोजिशन होल्ड करते हैं नेक्स्ट आता है फॉर क्लीन वाटर, जो आपके और हैं, वो एक्चुअली में क्या करते हैं दे रिमूव एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनवायरमेंट सो एनवायरमेंट के लिए जो क्लीन वाटर है वो भी आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट आता है अगर हम जॉब्स की बात करते हैं देखिए वेटलैंड्स में आपको फोर्टी परसेंट ऑफ स्पीशीज चाहे प्लांट्स की चाहे एनिमल्स की थ्राइव होती हुई दिखती है तो इसका मतलब क्या है ये जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा आपको प्रमोट करते हुए दिखेंगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया है वन बिलियन पीपल डिपेंड ऑन वेटलैंड सो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वन बिलियन पीपल आर अटैच टू इट ऐसे ही अगर हम इकोनॉमीज की बात करते हैं सो वेटलैंड प्रोवाइड 47 ट्रिलियन इन असेंशियल सर्विसेज एनुअली नाउ दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखते हैं क्योंकि अगर ये जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस बात है इसका इकोनॉमिक स्टेटस काफी इंक्रीज हो जाता है एनहेंस हो जाता है सो so, इसीलिए ये इनकी एडवांटेजेस हैं. अगर यहाँ पर लॉस ऑफ वेटलैंड होता है तो आपको लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगा सो so, इसीलिए ये वेटलैंड को बचाना काफी ज्यादा ट हो जाता है सो इफ यू वॉन्ट टू एंड दाइवर्सिटी लॉस यू हैव टू री स्टोर ठीक है जी आई होप यहां तक क्लैरिटी है सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी वेटलैंड सो आप हमारे कुछ फ्री इनिशियटिव और पेड इनिशियेटिव देख सकते हैं सो आई होप यू लाइक द लेक्चर थैंक यू वेरी मच